बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भैया हम समाज में संघर्ष तो कर रहे हैं, हम लोग दिन रात समाज को जगाने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन लोग नहीं जाग रहे, तो आप लोग झूठे हैं, आपने कभी संघर्ष किया ही नहीं। क्योंकि संघर्ष करने वाले व्यक्ति की जुबान पे कभी आता ही नहीं कि हम लोग थक गए या हमारा समाज नहीं जाग रहा। आपको संघर्ष करते वक्त आपको बहुत सारे लोग तोड़ने आएंगे, आपके बीच में बहुत सारे कांटे आएंगे, बहुत सारी कठिनाइयां आपके बीच आएंगे जब आप लोग संघर्ष करेंगे, लेकिन आपको रास्तों के कांटे नहीं देखने हैं, आपको आपसे तोड़ने वाले लोग नहीं देखने हैं, आपको रास्तों में आने वाले कांटे नहीं देखने, आपको लक्ष्य देखना है। और आपके पास लक्ष्य है इस देश में प्रेम प्यार भाईचारा एकता बनाने का, आपके पास लक्ष्य है इस देश में 6,743 जातियों को SC ST OBC माइनोरिटी को एक करके बहुजन समाज बनाने का, आपके पास लक्ष्य है इस देश में अपनी सत्ता हासिल करने का। और जो व्यक्ति लक्ष्य देखता है वो रास्ते के कांटे नहीं देखता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का मुझे बुलाने के लिए और मुझे सुनने के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना प्यार समाज के बीच से मुझे मिलेगा और आप सभी ने मुझे सुनने का काम किया। और ये प्यार मैं अपने घर लेके पहुंचूंगा और शायद मेरे घर वाले मुझे स्लाइड के माध्यम से देख भी रहे होंगे, तो ये देन है आपकी। लेकिन मेरे माँ बाप से बढ़कर मेरे लिए बाबा साहेब हैं, क्योंकि अगर बाबा साहेब नहीं होते तो मेरे माँ बाप मुझे जब भी जन्म देते, लेकिन ये मान सम्मान की जिंदगी जो मिली बाबा साहेब के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिली, तो मेरे माँ बाप से बढ़कर भी मेरे लिए संविधान है, मेरे लिए बाबा साहेब है। और इस संसार पर ऐसा कुछ कारण देके जाओ जो संसार आपको हमेशा याद रखे, और संसार को कुछ कारण चाहिए होता है जो लोग को याद रखे, वरना इस दुनिया में जीने के लिए बहुत लोग आते हैं, अपने लिए बहुत लोग जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीने वाले बहुत कम होते हैं। और जो दूसरे के लिए जीते हैं कभी जी के देखे आपकी जिंदगी चार चार लग जाएंगे, दूसरों के लिए जिए तो सही आपकी जिंदगी बेशक कम होगी, लेकिन बाबा साहेब की जिंदगी 65 साल की थी, लेकिन जब तक ये संसार रहेगा बाबा साहेब को दुनिया जब तक याद रखेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।